कंडला गांधीधाम द एनर्जी एंड रिसोर्सेस संस्था अने दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटीए पाणीनी तटस्थतामां व्यवसायिक कामगीरीनुं संक्रमण विषय पर एक मुख्य परिषद सफळतापूर्वक पूर्ण करी। आ घटनाए अभ्यासना प्रथम तबक्का हेठळ पोर्टनी कामगीरी अने तेनी आसपासनी इकोसिस्टममां टकाउ जळ व्यवस्थापन प्रथा अमलमां मूकवाना सहयोगी प्रशासननी पराकाष्ठा तरीके चिन्हित कर्युं। आ कार्यक्रमनुं उद्घाटन मुख्य अतिथि नंदेश शुक्लाए कर्युं हतुं। दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटीना उपाध्यक्षे तेमनुं व्यापक ज्ञान शेर कर्युं हतुं अने डीपी अने तेनी आसपासना विस्तारमां नजीकना भविष्यमां जे लक्ष्यो हासिल करवाना छे तेनी चर्चा करी हती। तेमना स्वागत प्रवचन दरमियान डॉक्टर एसके मेजर मैनेज अने मिटिगेट अने घटाड़ो पुनः उपयोग पुनः प्राप्ति पुनः डिजाइन पुनः विचार अने नियमननी विभावनाओ पर भार मूक्यो हतो। विश्व पर्यावरण दिवस वाले हफ्ते पे दीनदयाल पोर्ट और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने मिलकर ये वाटर न्यूट्रलिटी यानी जल निष्पक्षता के सिद्धांत पर ये वर्कशॉप आयोजित किया है और ये बड़ा सामयिक है क्योंकि जल एक ऐसी ऐसा संसाधन है जो समस्या बनता जा रहा है, जिसकी अवेलेबिलिटी समस्या होती जा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर विचार हो और आगे का एक कार्यवाही बने, एक कार्यसूची बने कि हम क्या कर सकते हैं जिससे जल के मामले में हम कम से कम जो दूसरे सोर्सेज हैं और जो उसका कंजर्वेशन, उसके संरक्षण की बात है, उसको हम लोग अचीव कर सकें। तो इसमें मुझे विश्वास है कि टेरी के नेतृत्व में कई दिमाग आपस में सोचेंगे, बात करेंगे और कुछ नतीजा निकलेगा। इसी आशा के साथ हमने इसका आयोजन किया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पानी एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, वाटर इज लाइफ, और धीरे धीरे हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरत है हमें एक नए कैटेगरी ऑफ वाटर को इनोवेट करने की। जैसे कि मिस्टर शर्मा ने बताया था कि कोई पानी बनाता है क्या, जी हाँ, हम पानी बनाते हैं। मैं मैत्री एक्वाटिक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद से हूँ और हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के। ये धीरे धीरे भारत में कई जगहों पर एक्सेप्ट हो रही है, जैसे भारत में कई सारे रेलवे स्टेशंस पर, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशंस पर ये प्लांट लगा हुआ है, मुंबई में CSMT, दादर, विक्रोली, कुर्ला, पनवेल, थाने, कई सारे रेलवे क्रॉसिंग्स पर ये प्लांट इंस्टॉल्ड है, और बहुत सारे इंडियन PSUs ने, इंडियन इंडस्ट्रीज ने ये प्लांट को लिया हुआ है। इनफैक्ट जो भी बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, डेल है, सैप है, ये सब लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा है और उनको फ़ायदा हो रहा है इससे। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट अपना वाटर न्यूट्रलिटी के लिए तरफ, वाटर पॉजिटिव होने के लिए इसमें अग्रसर है। जो रिसेंट बैंगलोर में वाटर क्राइसिस हुई थी उसमें हम लोगों ने बहुत मदद करी थी वाटर क्राइसिस को एलिविएट करने के लिए। अभी कर्नाटका गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट के अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स में वो चाह रहे हैं कि हमारे प्लांट्स इंस्टॉल हों। ऐसे ही अयोध्या में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मेरे को अप्रोच करा है, वो चाह रहे हैं अयोध्या में हम लोगों के प्लांट्स इंस्टॉल हों, और कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रेफर कर रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाए, जो एक न्यू कैटेगरी ऑफ वाटर है ऑल टुगेदर, जहां हम पानी बना रहे हैं, ना कि पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं।